नमस्कार मित्रों, आइए आज हम पोएट्री के दूसरे लेशन यानी कि कक्षा 10 की पोएट्री का दूसरा लेशन, आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। द साम ऑफ लाइफ, जिसकी हिंदी होती है जीवन का उद्देश्य या जीवन का भजन, यानी कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का एकमात्र भजन है, वो क्या होना चाहिए। इनको कंपोज करने वाले यानी कि पोएट्स द पोएम द साम ऑफ लाइफ हैज बीन कंपोज्ड बाय एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। ये इनका लाइफ स्पैन है, 1807 ईस्वी में पैदा हुए और 1882 में इनका जो है मरणोपरांत यानी कि इनको जो है इनका डेथ हो गया। आइए हम इस कविता का इंट्रोडक्शन में आपको बता दूँ कि कवि जो है परिचय के माध्यम से इस कविता में क्या कहना चाहता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को क्या एडवाइस कर रहा है। देयर इज ए सिंसियर एडवाइस ऑफ द पोएट फॉर एवरी यंग मैन, हर उस नौजवान व्यक्ति के लिए कवि का एक यह सलाह है, हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है। ही सेज दैट वर्क इज वर्शिप, कहता है कि कर्म ही पूजा है। सो वी शुड वर्क ऑनेस्टली, इसलिए हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए। एंड सिंसियरली इन लाइफ, अपने जीवन में अच्छी तरीके से, विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स रिजल्ट, बिना उसके परिणाम को सोचे हुए, जाने हुए, बिना उसके परिणाम की चिंता किए हुए। यानी कि कवि हमें ये कह रहा है कि हमें अपने जीवन में कर्म के ऊपर विश्वास रखते हुए अपने कर्म को करना चाहिए, न कि उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब हम इस कविता का अध्ययन करेंगे, स्टेंजा वाइज कविता का अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि दे लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। यहाँ पे मैं स्टेंजा से अध्ययन कर रहा हूँ। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रीव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ अर्थ टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। देखिए पोएट्री को मैं एक बार नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक पढ़ रहा हूँ, एक बार नीचे से देखिए। डस्ट द वर्ल्ड टू डस्ट रिटर्नेस इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट। कह रहा है कवि जो है इन चार लाइनों में क्या कर रहा है देखेंगे आप। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, कह रहा है कि जीवन वास्तविक है और जीवन कुछ ईमानदारी से प्राप्त करने योग्य है, कुछ कमाने योग्य है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का एकमात्र उद्देश्य कब्र में जाना नहीं होता है, यानी कि मनुष्य पैदा हुआ और मर गया, वो कब्र में चला गया, तो ये उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि डस्ट दाउ अर्थ टू डस्ट रिटर्नेस्ट, कह रहा है कि डस्ट दाउ अर्थ, कभी कह रहा है कि डस्ट दाउ अर्थ, तुम्हारा ये जो शरीर है या मिट्टी रूपी कलात्मक शरीर, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी कि मरने के बाद यह पुनः मिट्टी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा क्या है, अजर और अमर है। आत्मा कभी मरती यह नहीं है, यानी कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह आत्मा के लिए सत्य बात नहीं है। आत्मा के लिए जो है कह रहा है कि इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के लिए ये बात नहीं कहा गया है। आइए सेकेंड स्टेंजा में कह रहा कि नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइन इन आवर वे, कह रहा है कि दुख और सुख, आनंद और दुख, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, कह रहा है कि आनंद और दुख, ये आनंद और दुख को भोग लेना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए आप, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, आनंद और दुख को भोग लेना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं होना चाहिए। बट टू एक दैट इज टुमारो, कह रहा है लेकिन जिसे कह रहा है कि बट टू एक दैट इज टुमारो, हमें अपने प्रतिदिन अर्थात हमें अपने प्रतिदिन के होने वाले उन कार्यों के लिए कार्य करना चाहिए, उन उद्देश्यों के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि फाइंड अस फार्दर देन टुडे, जिससे कि आज यानी कि आज जो हमारा कल चल रहा है, आने वाला कल, आज वाले कल से जो है समृद्धशाली बने, शक्तिशाली बने, यानी कि अच्छा हो। फिर कह रहा है
कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल्स, ध्यान देना, कह रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल्स बी नॉट लाइक डम्ब आर ड्रिवन कैटल्स, ठीक है, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड वेट। फिर से देखेंगे आप यहाँ से, कह रहा कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल्स, यह संसार विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है, यानी कि इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में इन द विवास ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव, विवास ऑफ लाइफ का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, कह रहा कि इस संसार में यह संसार जो है युद्ध रूपी विस्तृत क्षेत्र है, इसमें हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव है, यानी कि कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए यह हमें पता नहीं है। तो गौर करें कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विस्तृत रण रूपी क्षेत्र में इन द विवास ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव है, इसलिए बी नॉट लाइक डम आर ड्रिविन कैटल, हमें अपने जीवन को गूंगे, यानी कि गूंगे की तरह और भेड़ बकरियों की तरह, ड्रिविन कैटल्स भेड़ बकरियों की तरह नहीं व्यतीत करना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, कह रहा है कि संघर्ष में अपने आप को वीर अर्थात वीर की तरह, बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, संघर्ष में अपने आप को अपने जीवन में संघर्ष करते हुए हीरो की तरह, सूर वीरों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, कह रहा है कि आओ हम सभी लोग मिलकर के एक साथ कार्य करें, विद ए हर्ट फॉर एनी फेट, बिना किसी भाग्य का चिंता किए हुए किसी भी कार्य को आइए आज हम करते हैं। कभी कह रहा है कि लेट अस आओ देन बी अप एंड डूइंग, आओ हम कार्य करें एक साथ मिलकर, विद ए हर्ट पूरे दिल से फॉर एनी फेट, बिना किसी भाग्य का चिंता किए हुए, कब तक, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, जब तक कि हम उसके पीछा न कर सकें, जब तक कि हम उस सफलता को प्राप्त न कर सकें, लर्न टू लेबर एंड वेट, कार्य को करने के बाद हम उसका उसके फल का इंतजार करते रहें। फल का इंतजार करने का मतलब ये है, कभी यह कह रहा है कि हम कार्य को करें न कि हम फल का इंतजार करें, समझ में आ रहा है। तो आप, ये हमारा स्टिंजा रहा, इस पूरी कविता में यदि आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आती, कोई मीनिंग नहीं समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और मेरा नंबर भी आपकी YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।